हमारे यूनिवर्स से जुड़ी कुछ बातें समझ पाना हमारे लिए बहुत आसान है, जैसे चांद सूरज का निकलना, तारों का निकलना, चांद सूरज को डूबना, ये सभी ये जो भी स्पेसीय घटनाएं हैं उसे समझ पाना अब आसान है। आकाशगंगा को दिखना या फिर तारों का चमकना या फिर आकाशगंगा में ये जो भी मीटियोर्स गिरते हैं उनका दिखना, ये सब अब हमारे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि हम साइंस के क्षेत्र में डेवलपमेंट करते ही जा रहे हैं, नई नई खोजें होती ही जा रही हैं। लेकिन यूनिवर्स में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनकी खोज भले ही कर ली गई हो लेकिन उन्हें समझना अभी भी बेहद मुश्किल है। साइंटिस्ट लगभग अभी तक बहुत सारी चीज़ें खो चुके हैं लेकिन उनके दिमाग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे काम करता है। उनमें से एक चीज़ है क्वांटम फिजिक्स। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स हम अपने डेली लाइफ में ज़रूर डेली यूज़ करते हैं लेकिन हम इसे समझ पाना बेहद ही मुश्किल है। क्वांटम फिजिक्स यानी स्मॉल लेवल पे, जैसे एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं, यदि देखा जाए क्वांटम फिजिक्स तो ये ऐसी पार्ट है जो एकदम छोटे से छोटे स्तर पर देखा जाए, जैसे एटम्स कैसे काम करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब कैसे होते हैं, इनमें कौन सी स्ट्रिंग्स होती हैं, वो कैसे चलते हैं, ये सब का स्टडी करना क्वांटम फिजिक्स में आता है। लेकिन आप फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और या फिर इन सवालों का जो आप जानना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। और दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी घटनाओं से जुड़ी हुई वीडियो हम लाते हैं। अब जानते हैं फिजिक्स की क्वांटम फिजिक्स की खोज कब और कैसे हुई। तो दोस्तों, 14 सितंबर 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक ने क्वांटम फिजिक्स की नींव डाली थी। उन्होंने ब्लैक बॉडी पर रिसर्च करके ये खोज निकला कि जैसे प्रकाश से या फिर कोई मैटर से कैसे रेडिएशंस निकल। क्वांटम फिजिक्स को साबित करने के लिए प्लांक को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इस खोज ने साइंस की दुनिया में पूरा तहलका मचा दिया था। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं क्वांटम छोटे स्तर पर कैसा होता है। मैक्स प्लैंक द्वारा बनाए गए छोटे छोटे ऊर्जा विकट का फॉर्मूला था -S=hv, जहाँ H वियता और V प्रकृति है, जहाँ H को हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं और V को आवृत्ति कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि ये क्वांटम फिजिक्स हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। तो दोस्तों, जो भी हमारे आसपास आजकल घटित हो रहा है वो सब क्वांटम फिजिक्स की बदौलत है। जैसे कि हम टोस्टर में टोस्ट को सेकते हैं, वो भी एक क्वांटम फिजिक्स है। यदि कोई भी बॉडी से रेडिएशन निकलती है, जो वाईफाई हम लोग यूज़ करते हैं वो भी क्वांटम फिजिक्स ही है। पूरा कंप्यूटर वर्ल्ड क्वांटम फिजिक्स पे ही बेस है। जितने भी हम आजकल फ़ोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, पीसीज जो भी यूज़ करें, ये सब क्वांटम बेसिस पे ही चलते हैं। यदि क्वांटम फिजिक्स की खोज ना हुई होती और इसे समझा नहीं गया होता तो आज जो हम फ़ोन्स, लैपटॉप, पीसीज, टैबलेट्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं शायद हमारे पास ना होते हैं। यदि हम देखें तो यूनिवर्स में जो भी चीज़ हैं वो सब वेव और पार्टिकल के फॉर्म में ही होते हैं। तो दोस्तों, अब यहीं पर रुकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए हमसे कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हुआ जिसे हम अगली वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।